नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन, जहां आपको शिक्षा विभाग की विभिन्न प्रकार की खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए क्या आई है बड़ी खबर, शिक्षकों के लिए क्या है खबर, बीपीएससी शिक्षकों के लिए क्या है खबर, छात्र छात्राओं के लिए क्या है खबर, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार शिक्षा विभाग से क्या निकले हैं पत्र, तमाम चीजों से हम आपको अपडेट कराते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर बता दें कि इन दिनों बिहार के शिक्षक इस शिक्षा कोष को लेकर काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि आज 24 यानी कि 24 जून को शिक्षकों ने जहां ई शिक्षा कोष जो है एप्लीकेशन अपलोड किया, जहां आपको बता दें कि कई उसमें खामियां देखने के लिए मिला, जैसे खोल रहे हैं कहां पर है और कहां उनका एरिया दिखा रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि लोकेशन में गड़बड़ेशन हो रहा है, किसी को खुल नहीं पा रहा है, बहुत तरह के। तो इस तरह की बात 25 जून को कैसे होगा, यानी कि बस कुछ ही समय बच गए हैं, 25 जून को उन्हें बनाने की बात कही जा रही है, वो अपलोड भी नहीं किया जा सका है, बहुत सारे सुधार की बात है। एक साथ 6 लाख 7 लाख शिक्षकों की हाजिरी एक एप्लीकेशन पर बनेगा, क्या हुआ सही से चल पाएगा, और कई जगहों पर कई ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की दिक्कत होती है, इस स्थिति में कैसे हो पाएगा। खासकर अभी देखिए कि जो लोकेशन बताया जा रहा है, शिक्षक कहां पर, विद्यालय कहां पर है, लोकेशन उससे 150 किलोमीटर तो 500 मीटर की दूरी पर, तो 800 मीटर की दूरी पर बता रहा है दूसरा गाँव का लोकेशन हो, तो उस स्थिति में बहुत कुछ अभी खामियां हैं, शिक्षक काफी परेशान है, शिक्षा विभाग इसके लिए आगे आनी चाहिए। तो शिक्षा विभाग ने भी कहा कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी खामियां है तो उसे सुधार लिया जाएगा और अभी फिलहाल किसी का वेतन वगैरह नहीं कटेगा। तो शिक्षक भी प्रयास करें और इधर शिक्षा विभाग भी प्रयासरत है इसमें सुधार कर शिक्षकों के बीच लाए। इसी बीच शिक्षकों ने एक और मांग कर दी है कि अगर इस शिक्षा कोष पर शिक्षकों की हाजिरी बनवानी है तो हमें टैबलेट आदि दिया जाए ताकि हमें सुविधा मिल सके। अब इस पर विभाग का क्या निर्णय होता है, हालांकि शिक्षा विभाग भी इस प्लानिंग में है कि शिक्षकों को टैबलेट दिया जाए, लेकिन कब दिया जाए यह तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। इधर एक और बड़ी खबर है कि बहुत सारे बिहार के शिक्षक जो है FLN ट्रेनिंग में है और इस ट्रेनिंग के दरमियान ही 29 जून को प्रधान शिक्षक की परीक्षा होने वाली है। शिक्षक परेशान है कि हम प्रधान शिक्षक की परीक्षा में कैसे शामिल होंगे जबकि हम FLN प्रशिक्षण में हैं। उनके लिए विभाग को खास पत्र निकालने की जरूरत है और शिक्षकों ने मांग भी किया है, यानी बिहार के नियोजित शिक्षकों ने मांग किया है कि प्रधान शिक्षक की परीक्षा में शामिल होने के लिए हमें आदेश दिया जाए और अवकाश दिया जाए ट्रेनिंग से, ताकि हम ससमय अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर एग्जाम दे सके। इधर अब बिहार के नियोजित शिक्षक जो है डिजिटल आंदोलन शुरू कर दिए हैं, अपनी जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं तो अपने स्कूल पोस्टिंग और काउंसलिंग के लिए आंदोलन शुरू कर दिए। उनका मांग करना कि आखिर इतने वक्त पहले परीक्षा देकर क्या हुआ। वहीं सक्षमता 2 परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षक भी जल्द परीक्षा की तिथि जारी करने की मांग किए हैं। इधर हम आपको बता दें कि शिक्षकों ने यह भी कहा है कि हमें होम ब्लॉक में ही पोस्टिंग किया जाए। शिक्षा विभाग इसमें मंथन जारी है कि क्या निर्णय लेती है, हालांकि अभी तक तो जो है वह जिस जिला में आपको मिला है उसकी प्राथमिकता होगी, लेकिन उसी विद्यालय में आपकी पोस्टिंग होगी, 3 विद्यालय का ऑप्शन मांगा जाएगा या होम ब्लॉक ही मिलकर आपको किसी और विद्यालय में कर दिया जाएगा। अभी मंथन शिक्षा विभाग में जारी है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अपने विद्यालय में शिक्षक नहीं रहेंगे, भले उसमें थोड़ा सा आपको गुंजाइश मिल सके, राहत मिले कि 3 विद्यालय के आपको जिले भर में ऑप्शन मांगा जा सकता है। लोगों की यह सोच है कि गृह प्रखंड से शिक्षकों को अलग कर दिया जाए और सुविधा भी दिया जाए, तो इस निर्णय पर 3 विद्यालय की सूची मांगा जा रहा है ताकि आप अपने नजदीक के घर से नजदीक वाले प्रखंड में और विद्यालय का चयन कर सकते हैं। तो आने वाले वक्त में क्या होगा, कुछ भी होगा लेकिन सक्षमता परीक्षा 2 के बाद शिक्षकों को होगा। वहीं बता दें कि पटना के प्राथमिक विद्यालय में होगी सर्वाधिक प्रधान अध्यापकों की बहाली, दूसरे स्थान वाले पूर्वी चंपारण में 1914 पद हैं, वहीं 1883 पदों के साथ मधुबनी तीसरे स्थान पर है। बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली 40518 प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति में सबसे ज्यादा 1984 प्रधान अध्यापक
पटना जिले को मिलेंगे। दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण जिले है का है जहां 1914 प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति होनी है। तीसरे स्थान पर मधुबनी जिले का है जहां प्रधान अध्यापकों को 1883 पद हैं। उल्लेखनीय है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापकों और प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोकसभा आयोग द्वारा लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा क्रमशः 28 एवं 29 जिन को एकल पाली में 12 बजे मध्याह्न से 2:30 बजे अपराह्न तक आयोजित की जानी है। तो इस पर इस पटना जिले को सबसे ज्यादा प्रधान अध्यापकों की बहाली हो रही है। तो बता दें कि 9वीं और 10वीं की विशेष मासिक परीक्षा शुरू कर दी गई है जिसमें विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं। तो वहीं मध्याह्न भोजन में अभी दूध नहीं मिलेगा। 1 जुलाई से 44 प्रखंडों में स्कूलों में शुरू होनी थी योजना, लेकिन योजना को टाल दी गई है। नई व्यवस्था कब से लागू होगी तिथि अभी तय शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं किया गया है। जबकि के पाठक जब अपर मुख्य सचिव के रूप में शिक्षा विभाग में थे तो उनके द्वारा यह निकाला गया था कि बच्चों को अब दूध भी मिलेगा, लेकिन फिलहाल इस योजना को टाल दिया गया है। तो हम आपको बता दें कि हर माह की 25 तारीख को दे अनुपस्थिति विवरणी, यानी कि विभिन्न जिलों से यह खबर आ रही है कि 25 तारीख तक अब्सेंटी जो होता है वो शिक्षकों को देने की बात हो रही है ताकि समय उनका वेतन का भुगतान किया जा सके। तो वहीं बीपीएस शिक्षकों ने भी ट्रांसफर की मांग करने लगे हैं, लेकिन इस तर्क दिया जा रहा है कि जब तक 3 साल पूरे नहीं होंगे तब तक बीपीएससी शिक्षकों की तबादला संभव नहीं है। वहीं शिक्षक संघ के चुनाव पर हुई चर्चा, यानी सिवान से खबर निकल कर आई है कि सिवान के श्रीनगर में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई सिवान की आवश्यक बैठक बीते दिन हुआ। बैठक में संगठन के एकजुटता शिक्षक हित व पटना में 30 जून को आयोजित बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के होने वाले चुनाव में विशेष रूप पर चर्चा की गई है। तो अब शिक्षक भी अपने कार्य में लग गए हैं। वहीं 24 को हर हाल में अनुपस्थिति विवरणी जमा करने की बात विभिन्न जिलों और प्रखंडों से निकल कर सामने आ रही है। वहीं प्रश्न पत्र हजारीबाग के स्कूल से निकला था, हुआ मिलान। प्रश्न पत्र पर दर्ज कोड के मिलान से हुआ खुलासा, पटना के स्कूल से मिले प्रश्न पत्र का विवरण जारी हुआ है। तो इस पर जांच की प्रक्रिया शुरू है। इधर पकड़े जाने के भय से सक्षमता के लिए नहीं कर रहे हैं आवेदन टीएटी एसटीएटी व बीटेट के एक ही रोल नंबर पर कई जिलों में है शिक्षक कार्यरत। ऐसा बताया जा रहा है कि वैसे शिक्षक इसमें भाग नहीं ले रहे हैं कि काउंसलिंग के दौरान हमारी फर्जीवाड़ा पकड़ा जाएगा, लेकिन हर हाल में फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ होना फिलहाल तय है। इधर 5 साल में भी सैकड़ों शिक्षकों को नहीं हुआ 15% बढ़ोतरी का एरियर भुगतान, सिवान जिले से खबर निकल कर आई है। कमोबेश विभिन्न जिलों में ऐसी बात है कि प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलों में पदस्थापित सैकड़ों नियोजित शिक्षकों को 15% वेतन बढ़ोतरी का एरियर भुगतान नहीं हो पाया है। यह बड़ी खबर निकल कर शिक्षकों के लिए आई है। तो वहीं शिक्षक बहाली के नाम पर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देने वाले 3 धाराएं थावे। शिक्षक बहाली का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले कि पकड़े गए सदस्यों में पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला के केवलपुर थाना के मोतिहारी निवासी शाहिद राजा तथा भोजपुर आरा जिला के जगदीशपुर थाना के कवरा गांव के विश्वजीत सिंह और मनीष सिंह शामिल हैं। तो इस प्रकार से शिक्षकों को भी धोखा दिया जा रहा है। उपलब्ध रिक्ति पर उसी जिले में होगा केआरपी का चयन, 250 रिक्त पदों पर नियुक्ति का दिया गया है आदेश। डीएम की अध्यक्षता में यानी मुजफ्फरपुर डीएम की अध्यक्षता में बनी नियोजन समिति की मुहर पर होगी बहाली। राज्य स्तर से एनआईसी भेजेगा मेधा सूची, जिला समिति करेगी इसकी जांच। तो आगे की खबर, सीबीआई ने केस दर्ज किया, बिहार आएगी अब टीम, होगी भाई कई बड़े खुलासे। तो शिक्षकों छात्रों की भविष्य की बात है, बिहार सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया है जांच। वहीं आधार के लिए स्कूली बच्चों को उनके बनेंगे जन्म प्रमाण पत्र, यानी आधार के लिए स्कूली बच्चों के बनेंगे जन्म प्रमाण पत्र, शिक्षा विभाग के जिला अधिकारियों को निर्देश। प्राथमिकता के आधार पर बनवाए जाए बर्थ सर्टिफिकेट। तो अब आधार कार्ड पर शिक्षा विभाग काफी जोर दिए हुए है कि जब तक आधार कार्ड नहीं बनेगा विद्यालय में बच्चों का नामांकन नहीं हो पाएगा। तो खास शेड्यूल के साथ जो है कार्य किए जा रहे हैं और शिक्षा विभाग इसके लिए आगे भी आ रही है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।